गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल्स, आज एक दुखद समाचार के साथ आप लोगों तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। अभी हमारी 4 तारीख थर्सडे की रात को 10 बजे एक दुखद घटना घटी। कल्पना चावला पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबाला सिटी के अंदर एक विद्यार्थी ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, सुसाइड कर लिया। वजह क्या रही होगी इसके बारे में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से यही बात, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशंस आप तक पहुँचे कि इस साल कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस है। ये मैं खुद मानता हूँ, खुद लेक्चरर हूँ मैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस चल रहे हैं और सेशनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और अभी हाल ही में ही 31 जनवरी को ही हॉस्टल रीओपन होने के बाद ये स्टूडेंट हॉस्टल में आई, और ये बिहार से है हमारी, और ये जो ज़िला है इसका नावाड ज़िला है बिहार का, वहाँ से थी ये बच्ची, और ये डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इसका एडमिशन था। जैसा कि सूत्रों के अनुसार और अखबार के माध्यम से ये न्यूज़ मिली कि लगभग 8 बजे के करीब उसने अपने रूम पार्टनर से चाबी ली और अपने कमरे में चली गई। 10 बजे तक जब वो रूम पार्टनर उसके साथ गई, पहुंची तो देखा कि अंदर से बोल्ट है, तो उसने देखा कोई दिक्कत है, नॉक करने की कोशिश की तो नहीं मिल पाया, तो उसने वार्डन को इन्फॉर्म किया, और जब की देकर उसको खोला गया तो देखा गया तो वो सीलिंग के ऊपर फ़ैन के साथ लटकी हुई थी। उसने कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ, तुरंत इंफॉर्मेशन दी गई, पोस्टमार्टम कराया गया, ब्रदर को फ़ोन करके बुलाया गया। तो ये एक मैसेज था कि अब पढ़ाई का थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि कोविड के अंदर थोड़ी सी बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग थी, क्लासेस भी लग रही थी हालांकि, लेकिन अब क्या वजह रही होगी वो तो अभी एनालिसिस नहीं हुआ है। तो जो रिपोर्ट हमारे अखबार के माध्यम से आई थी तो ये मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। तो ये बहुत एक दुखद घटना थी कि इस तरीके से, मैं ये कहूँगा अपने प्यारे विद्यार्थियों को इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरीके की वारदात ना करें। मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी, कोटा के अंदर काफ़ी बच्चे जो एस्पिरेंट्स होते हैं तो जब वो सक्सेसफुल नहीं होते तो वहाँ पर हमारे एक कमिश्नर महोदय ने ये बात लिखी थी कि बर्डन करने पर बच्चे इस तरीके की स्टेप्स ले लेते हैं। तो मैं अपने सारे प्यारे विद्यार्थियों से अनुग्रह करूँगा कि इस तरीके का स्टेप्स ना लें। दिक्कत आती है, पेरेंट्स के खुलकर बात करें, बताएं उनको कि हमें दिक्कत है, वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे, और इस तरीके की स्टेप्स मत उठाएं। बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ मिली है हमारे को, और कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, सोल्यूशन, वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशंस, हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो लाइफ एंड करना एक सोल्यूशन नहीं है हमारा। तो ये आपसे एक छोटी सी गुजारिश, मेरे सभी प्यारे, जितने भी दर्शक हैं मेरे, जितने भी व्यूअर्स हैं चैनल के, उन सभी को मैं यही अपने चैनल के माध्यम से ये मैसेज दे रहा हूँ कि इस तरीके की कभी भी माइंड में ना करें। मेरे फ़ोन नंबर्स हमेशा स्क्रीन पे रहते हैं, किसी भी प्रकार की आपको किसी भी मानसिक टेंशन है तो यू कैन कॉल मी, वट एवर हेल्प आई कैन प्रोवाइड यू, मैं आपकी पूरी मदद कोशिश करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बीइंग एल्डर लाइक ब्रदर, यू कैन टेक मी फादर, तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो अगर किसी भी प्रकार की, बट मैं यही आशा करता हूँ कि इस तरीके की वारदात ना करें। तो धन्यवाद वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस, धन्यवाद।